डॉक्टर महेंद्र स्वरूप उपस्थित है। प्रधान जी एवं आज सदस्यगण, आज के दिन मतलब आज समाज की स्थापना हुई, इसलिए हुई थी कि भाई दुनिया को आज बनाया जाए। महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने हमारे लोगों में आने का रास्ता खोल दिया, मतलब शुद्धि, शुद्धि सनातन है। तो देखें, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें तो हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है कि हमें अपने लोगों को सही शिक्षा देना चाहिए। जैसे हमने बताया ना, महर्षि दयानंद ने पहला सबसे बड़ा काम किया कि अपने अंदर लोगों का आने का रास्ता खोला, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी के चचेरे भाई मुसलमान हो गए, तो उन्होंने उसको शुद्ध करके हिंदू बना लिया था। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक जाति धर्म, हमारा वैदिक धर्म है। हिंदू कौन है? अरब के मुसलमान। आप यूट्यूब पे देख लें, धर्म जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, और रिलीजन है वो झगड़े की जड़। आज समाज में भी सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक टीम बनानी है। अब देखें, मैंने एक लेख लिखा था, मूर्खों के देश में, धूर्तों के राज में गांधी की गद्दारी। गांधी ने जितना ज्यादा हमारे धर्म, हम लोगों का नुकसान किया, उतना किसी मुसलमान ने नहीं किया। वो हिंदू इतना मूर्ख है क्योंकि उसकी शिक्षा नहीं है। आप भारत का इतिहास पढ़ लें, अंग्रेजों ने कोई भी लड़ाई खुले मैदान में नहीं जीती। अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुस्तानी फौज को भर्ती किया, और हिंदुस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज को हरा के कहा आइए हुजूर हम पे राज करें। आप समझ रहे हैं, ये भारत का इतिहास है। और भारत में जितने भी हैं जो ह्यूमन राइट्स और ये सब है, ये सब भारत के खिलाफ, ये सब गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं। गांधी भी उसमें एक था, वो एक डरपोक व्यक्ति था जिसने की, इसीलिए देखें अभी हिटलर के बगल में गांधी जी की स्टैचू इंडिया, इंग्लैंड में, लंदन में पार्लियामेंट के बगल में लगा दी है। चर्चिल कहता था गांधी को ये नंगा फकीर, मतलब नंगा भिखमंगा। और ऐसा है कि ये अमेरिकन और ये लोग इसलिए गांधी जी का नाम और लेते हैं, यहाँ भी मूर्ति लग गई है कि अगर भारत के लोग गांधी के रास्ते में चलेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ये हाल है, इसलिए हमें अपने लोगों को सही शिक्षा देना चाहिए जिससे और दुनिया में आर समाज बने। अभी मैं एक महीने और 20 दिन के लिए भारत जा रहा हूँ, वहां आर समाज, क्योंकि मैंने इनको बताया भी एक बार कि हमारे पिताजी के ग्रैंड फादर वकील थे 150 साल पहले, तो महर्षि दयानंद उनके ठहरे थे, तब से हम आर समाज। बम्बई आए जो सबसे पहली आर समाज थी, उसके हम उपमंत्री भी थे, और मैंने वहां कई अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई दुनिया में, दुनिया को सही करो, तो मैंने ये चुना दनहा को, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट है। अब विश्व धर्म बना दिया, अभी कोशिश करेंगे भारत से लौट के कि यहाँ पर अमेरिका में, वहाँ हमारे मानने वाले कुछ लोग हैं कि ये जो विश्व ऑर्गेनाइजेशन है ना, नीदरलैंड्स में उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को, फ्रेडरिक नाथ, तो उसको एक करना है ना, हॉलैंड रहे ना इंग्लैंड, ये रहे अपने देश, क्योंकि भाई आपका घर इनका घर अलग अलग घर रहेगा, अगर नहीं तो धर्मशाला कर देंगे, सब एक दूसरे के घर में हो जाएंगे। तो इसलिए उसको देखते हुए भी इस दुनिया में सुधार करना, ये सुधार वैदिक धर्म का एक हिस्सा। धन्यवाद।